Hello everyone. This is the brand new first class of maths, and we will keep in mind of the fact that a lot of students have average base in maths. So, before starting with the chapters, there are some basics which we should So, I want you. कि यहां पर क्या सभी को बेसिक मैथ्स इज ओके विथ एवरी वन इज ओके विथ द चैप्टर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड सबसे पहला मेरा बेसिक में आता है रेशियो इज एवरी वन ओके विथ द चैप्टर रेशियो यस सो आप येस yes बोल रहे हैं तो मैं आपसे पॉइंट नंबर वन पूछना चाहूंगा वॉट इज रेशियो आपके हिसाब से रेशियो क्या है यस वी कैन से दैट इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर टर्म्स यस रेशियो इज अ कंपेरिजन बिटवीन टू और मोर टर्म्स अब जो भी ये टर्म होगा जो भी ये टर्म होगा इट शुड बी ऑफ सिमिलर नेचर इट शुड बी ऑफ सिमिलर नेचर एंड सेम यूनिट मतलब किलोग्राम इज टू किलोग्राम मीटर्स इज टू मीटर्स राइट यूनिट सेम होना चाहिए हा या ना अगर आप बताइए मेरे को रुपीज इज टू पैसे होंगे तो रेशियो कैसे निकलेगा अगर रुपीज इज टू पैसे होंगे तो रेशियो कैसे वेरी गुड वेरी गुड अगर रुपीज इज टू पैसे होंगे तो वी हैव टू कन्वर्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इंटू लाइक यूनिट्स वी हैव टू कन्वर्ट इट इंटू लाइक यूनिट्स वी हैव टू कन्वर्ट इट इंटू लाइक यूनिट्स ठीक है बेसिक क्लियर है रेशियो का इट्स अ कंपेरिजन बिटवीन टू और मोर टर्म्स विच सिमिलर नेचर एंड सेम यूनिट ठीक है एंड इफ द यूनिट्स आर नॉट सिमिलर वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लाइक यूनिट्स यहां तक क्लियर है सबको यस yes, आगे बढ़ सकते हैं फाइन अब मैं यहां पर एस टू बी लिख रहा हूं और मैं कुछ एरोज में कुछ कुछ चीज लिखूंगा मैं सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर फिर मैं लिख रहा हूं ए क्यूब इज टू बी क्यूब फिर मैं लिख रहा हूं बी इज टू ए फिर मैं लिख रहा हूं रूट ए इज टू रूट बी फिर मैं लिख रहा हूं क्यूब रूट ए इज टू क्यूब रूट बी चलिए बताइए पहले वाले को हम लोग क्या बोल सकते हैं पहले वाला इज नोन एज वॉट इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं दिस इज नोन एज डुप्लीकेट रेशियो दिस इज नोन एज ट्रिप्लीकेट रेशियोज ये तो उल्टा हो गया तो हम बोल सकते हैं रेसिप्रोकल यानी कि इनवर्स रूट का मतलब होता है सब डुप्लीकेट और क्यूब रूट हो गया तब ट्रिप्लीकेट दिस आर फ्यू टाइप्स ऑफ रेशियोज दिस आर फ्यू टाइप्स ऑफ रेशियोज क्या क्या है बताइए पहला वाला क्लियर है डुप्लीकेट रेशियो येस और नो ट्रिप्लीकेट इनवर्स सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज को बोला जाता है कंपाउंड रेशियो आई होप ऑल ऑफ यू आर नोटिंग दिस डाउन प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज को बोला जाता है कंपाउंड रेशियो इसका मतलब एस टू बी सी इंस टू डी का कंपाउंड रेशियो विल बी ए बाई बी इंटू सी बाई डी डैट इज एडी ए सी बाई बी डी ए बाई बी इंटू सी बाई डी इज इक्वल्स टू ए सी बाई बी डी तो प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज को क्या बोला जाता है कंपाउंड रेशियो अब ये जो रेशियो है ना इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड एज 3 by 1 equals to 3 times 2 by 10 equals to 0 0.20. That is fraction. And 5 by 10 into 100 equals to 50 percentage. Either you can express it in times, fraction, or percentage. You can express it in times fraction and percentage you can express it in times fraction and percentage okay yahan clear it स वुल वोट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सो अगर बोला जा रहा है रुपीज वन एटी को डिवाइड करो इन द रेशियो ऑफ फाइव इज टू फोर इन द रेशियो ऑफ फाइव इज टू फोर तो ये जो ए बाई बी मैं लिखता हूं ना एज द फर्स्ट पार्ट एंड बी इज द सेकेंड पार्ट इसका टोटल होता है ए प्लस बी मतलब बंटवारा हुआ है एक सौ रुपए का बंटवारा हुआ है जिसमें जो रेशियो है उसका फाइव इज टू फोर इसका मतलब इसका मतलब होता है फाइव बाई नाइन ऑफ टोटल विल रिप्रेजेंट द फर्स्ट पार्ट एंड फोर बाई नाइन ऑफ द टोटल विल रिप्रेजेंट सेकेंड पार्ट जब किसी भी होल चीज का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम लोग ऐसे करते हैं इसका मतलब यह होता है दैट आउट ऑफ नाइन फाइव विल गो टू द फर्स्ट पार्ट एंड आउट ऑफ नाइन फोर विल गो टू द सेकेंड पार्ट तो मेरा आंसर क्या होगा फर्स्ट पार्ट का बाई फोर इंटू फाइव बाई नाइन इंटू वन एट्टी दट इज हंड्रेड एंड फोर बाई नाइन इंटू हंड्रेड दट्टी सिमिलरली इसको हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं अभी तो हम लोग जो भी किए वो एज टू बी के ले किए नो वी कैन ऑल्सो स्टडी फॉर एस टू बीज टू सी एज टू बीज टू सी टू डी लाइक दैट नेक्स्ट अगर दो अलग अलग रेशियो इक्वल होता है इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी देन टर्म्स ऑफ द रेशियो आर इन प्रोपोर्शन टर्म्स ऑफ द रेशियो आर इन प्रपोशन तो इफ अ रेशियो इज इक्वल टू अनदर रेशियो तो उनको हम लोग बोलेंगे दे आर इन प्रपोशन ए को बोला जाएगा फर्स्ट प्रपोशनल बी को सेकेंड सी को थर्ड और डी को फोर्थ दे आर कॉल्ड इन प्रपोशन दे आर कॉल्ड इन प्रपोशन एंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है जो हम लोग को याद रखना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स product of means is equals to product of extremes so this is known as extreme and this is known as means a and d the first and the fourth are known as extremes Second and the third are known as means. So we can say that A into D is equals to B into C. A into D is equals to B into C. यहां तक क्लियर है इफ टू रेशियोज आर इक्वल दे आर सेट टू बी इन प्रपोशन अब तीन नंबर का बात करिए सर इफ ए बी एंड सी आर इन प्रपोशन तो क्या होगा A by B will be equals to B by C or B square equals to AC or B equals to root over AC. This is also known as mean proportional. This is also known as mean proportional. Second term is equals to Square root of the product of first and third term. Second term is equals to, second term is equals to square root of the product of first and third term. second term is equals to square root of the product of first and third term तो इस स्पेसिफिक यूनिट में हम लोग को बहुत सारा प्रॉपर्टी सीखना है तो एक एक करके हम लोग पहले प्रॉपर्टी सीखेंगे जो कि आगे जाकर के हम लोग को काम आएगा बोलता है कि एड वन एडिंग वन ऑन बोथ द साइड्स, इट विल बिकम दिस And when you deduct one on both the sides, ye Kisiko Yade. Is What is this known as? Anyone remembers the name of the property? When you add one on both the sides. Yes. एनी वन इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं जब दोनों साइड में वन ऐड होता है दिस इज नोन एज कॉम्पोनेडो एंड दिस इज नोन एज डिविडेंडो एंड वेन वी दो बोट टूगेदर And when both together, o it is like this: a plus b by a minus b equals to c plus d by c minus d, and it is known as componendo and dividendo. It is known as componendo and dividendo. We can also write it as a minus b by a plus b, c minus d by c plus d, a minus b by a plus b, c minus d by c plus d. So basically, adding one is component or deducting one is dividendo. And doing both together is componendo and dividendo. Doing both together is componendo and dividendo. Yes, note a short term. A by B may, A is known as antecedent and B is known as consequent. A by B may, A, the first term is known as antecedent and the second term is known as consequent. And the second term is known as consequent. Next, if A by B.

और b बाई ए इक्वल्स टू डी बाई सी कोई बता सकता है ये क्या है एनी वन वॉट इज दिस एक्चुअली इज ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी ऑल्टर बिट्वीन बी एंड सी वो ऑल्टर एंडो हुआ ये बी बाई ए और डी बाई सी क्या है इनवर्ट एंडो दिस इज इनवर्ट एंडो उल्टा कर देना जस्ट फ्लिप डिनोमिनेटर बिकम्स अ न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर बिकम्स अ डिनोमिनेटर बहुत बार एग्जाम में आता है वन बाई एक्स इक्वल्स टू टू बाई ट्वेल्व सो वॉट वी डू और x इक्वल्स टू ट्वेल्व बाई टू येस और नो इफ वन बाई एक्स इक्वल्स टू टू बाई ट्वेल्व वी कैन राइट ना x इक्वल्स टू ट्वेल्व बाई टू रादर एक्स बाई वन इक्वल्स टू ट्वेल्व बाई टू दिस इज इन्वर्टेंडो कॉन्सेप्ट हम डे टू डे लाइफ में इस तरीके के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं बट वी डोन्ट नो द नेम दिस इज इन्वर्टेंडो कॉन्सेप्ट Or AD equals to BC. Now, this is known as cross multiplication. Now, this is known as cross multiplication. Now, this is known as cross multiplication. उ दिस इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्लियर है तीनों कॉन्सेप्ट के बीच का डिफरेंस देख लो ऑल्टरनेंडो किसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो किसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसको बोलते हैं If a by b equals to c by d equals to e by f आगे और भी हो सकता है तो यहां से दो कॉन्सेप्ट आएगा एक आएगा तुम्हारा एडेंडो का एक आएगा तुम्हारा सप्ट्राहडो का इफ यू एड All the first term by all the second term that is addendo, and if you subtract that is subtrahendo. इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं पहले रेशियो से सारे फर्स्ट टर्म को ऐड कर रहे हैं और सेकेंड पार्ट से सारे सेकेंड टर्म को ऐड कर रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट टर्म से बाकी सारे सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकेंड टर्म से बाकी सारे सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सो so, इक्वालिटी ऑफ रेशियोज को प्रपोशन बोला जाता है इन शॉर्ट इक्वालिटी ऑफ रेशियोज इज इक्वल्स टू प्रपोशन इक्वालिटी ऑफ रेशियोज इज इक्वल्स टू प्रपोशन इक्वालिटी ऑफ रेशियोज ज इक्वल्स टू प्रपोशन क्या मैं स्लाइड पीछे करूं एक बार फर्स्ट से रिवाइज करूं यस यू वांट मी टू गो बैक टू स्लाइड वन स्लाइड वन से नाइन एक क्विक रिक करें क्या बोलती है पब्लिक हेलो आई एम ऑडिबल गाइस कैन स्पीक टू थोड़ा जोर से बोलना होगा yes, तो एक बार हम लोग स्टार्टिंग से थोड़ा रिवाइज करेंगे क्योंकि बहुत लोग आ रहे जा रहे हैं मे बी बिकॉज ऑफ एनी नेटवर्क इश्यू सो दैट सो so, सबसे पहले हम लोग ने बोला दैट रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर टर्म्स एंड ये टर्म्स का नेचर सिमिलर होना चाहिए और यूनिट भी सेम होना चाहिए यहां पर मैं कुछ और चीज ऐड कर सकता हूं पॉइंट नंबर थ्री में दैट रेशियो इज यूनिट फ्री रेशियो इज अ प्योर नंबर रेशियो इज अ प्योर नंबर इट इज यूनिट फ्री इट इज यूनिट फ्री अभी मैंने कुछ देर पहले लिखा है ना इट कैन बी एक्सप्रेस इन टाइम्स फ्रैक्शन परसेंटेज फिर हम लोग कुछ कुछ टाइप्स का रेशियो देखें प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज इज इक्वल्स टू कंपाउंड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे इक्वालिटी ऑफ रेशियोज को प्रपोशन बोला जाता है देन वी डेड अबाउट द प्रोपर्टीज मीन प्रपोशन कंपोेंडो डिविडेंडो बोथ ऑल्टरो इनवर्टेंडो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड इक्वालिटी ऑफ रेशियो इज इक्वल टू प्रपोशन एंड देन एडेंडो सप्ट्राहडो अब जो टॉपिक मैं लिखा रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग भी है ए टू दावर एम ईक्वल्स टू एन क्या किसी को इस टॉपिक का नाम याद आ रहा है वॉट इट इज ए टू द इट्स इंडिसेस दिस पार्ट इज नोन एज इंडिसेस तो दिस इज द बेस and this is the output result तो यहां पर तीन पैरामीटर्स है ए के माथे में एम है जिसको हमने इक्वालिटी के साथ में एन लिखा है मतलब एल एच एस एक इनपुट है RHS इसका आउटपुट है एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं टू का क्यूब इक्वल्स टू एट इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ टू इंटू टू इंटू टू इज एट येस और नो इसका मतलब टू इज मल्टीप्लाइड एक सेकेंड टू इज मल्टीप्लाइड बाई इट्स थ्री टाइम्स इसको बोला जाता है इंडेक्स दिस इज नोन एज इंडेक्स और द पावर ऑफ द बेस इसको अगर हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ए मल्टीप्लाइड बाय इट्स एम टाइम्स विल प्रोड्यूस एन अगर ए खुद को एम टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा उसका जो आउटपुट आएगा वो एन आएगा उसका जो आउटपुट आएगा वो एन आएगा उसका जो आउटपुट आएगा वो एन आएगा ठीक है बोलिए बेस किसको बोलते हैं पावर किसको बोलते हैं आउटपुट किसको बोलते हैं ये क्लियर है यस yes. अब हम लोग को क्या करना है इसके साथ में जो ऑपरेटर्स यूज होंगे उसको कैसे हम लोग और इजी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिसेस तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा इसके लिए कुछ कुछ लॉ law है लॉज ऑफ लॉस ऑफ इंडिसेस लॉस ऑफ इंडिसेस सबसे पहला अगर बेस सेम है पावर्स अलग है और इनटू है तो पावर्स विल गेट एडेड और यही अगर बेस सेम है डिवाइड में है पावर्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड फाइव का स्क्वायर इंटू फाइव का क्यूब विल बी फाइव टू द पावर टू प्लस थ्री फाइव टू द पावर फाइव फाइव का स्क्वायर बाई फाइव का क्यूब फाइव टू द पावर टू माइनस थ्री दट इज फाइव टू द पावर माइनस वन एनीथिंग रेस्ट टू द पावर जीरो इज वन एनीथिंग रेस्ट वन इज एनीथिंग एनीथिंग रेस्ट टू द पावर जीरो इज वन

All the laws of indices are applicable, vice versa. All the laws of indices are applicable, vice versa. इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर 5 टू द पावर माइनस थ्री है तो आप 1 बाई फाइव क्यूब लिख सकते हैं और 1 बाई फाइव टू द पावर 1 बाई सिक्स टू द पावर m को 6 टू द पावर माइनस एम लिख सकते हैं पावर्स का साइन चेंज होता है जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो तो अगर फाइव टू द पावर वन होगा तो वी कैन राइट दैट एज फाइव और फाइव टू द पावर जीरो होने से वन पावर ऑफ अ पावर गेट्स मल्टीप्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर इंपॉर्टेंट है इसका ब्रैकेट का साइन यहां पर हम लोग दो एग्जाम्पल करेंगे एक फाइव क्यूब होल स्क्वायर और एक फाइव के पावर में थ्री पावर में टू यहां पर पावर ऑफ अ पावर है फाइव का क्यूब होल टू द पावर टू इसका मतलब होता है फाइव का क्यूब इंटू फाइव का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू फाइव टू द पावर सिक्स और डायरेक्टली मैं लिख सकता था पावर ऑफ ए पावर में पावर गेट्स मल्टीप्लाइड ब्रैकेट का बहुत रेलिवेंस है ब्रैकेट का पूरा रेलिवेंस है एंड यहां पर दिस थ्री स्क्वायर इज द पावर तो फाइव टू द पावर नाइन हो जाएगा यहां पर पावर वॉज टू यहां पर पावर इज थ्री स्क्वायर वेरी इंपॉर्टेंट ए बी टू द पावर एम ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम सपोज करिएन टू द पावर एम दिया हुआ है टेन को मैं फाइव इंटू टू लिख सकता हूं तो दैट विल बी फाइव टू द पावर एम इंटू टू टू द पावर एम Similarly, it goes with divide. Similarly, it goes with divide. फॉर्मूला नंबर एट नंबर नाइन वेरी इंपॉर्टेंट इट ए इज इक्वल टू ए होल्ड टू द पावर वन बाई एन इसका मतलब यह हुआ स्क्वायर रूट ऑफ ए का मतलब होता है ए टू द पावर हाफ क्योंकि बाकी सब में हम लोग यहां पर लिखते हैं जैसे क्यूब रूट ऑफ ए होगा ए टू द पावर वन बाई थ्री सिर्फ स्क्वायर रूट में यहां टू नहीं लिखा जाता खाली रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट ये इंप्लाई करता है स्क्वायर रूट तो सिमिलरली एन एच रूट ऑफ ए टू द पावर एम क्या हो जाएगा ए टू द पावर एम होल टू द पावर वन बाई एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम बाई एन बिकॉज पावर ऑफ अ पावर गेट्स मल्टीप्लाइड बिकॉज पावर ऑफ अ पावर गेट्स मल्टीप्लाइड एग्जाम्पल तो में लेता हूं क्यूब रूट ऑफ सिक्सटी फोर तो सिक्सटी फोर होल्ड टू द पावर वन बाई थ्री अब फोर क्यूब लिख सकता हूं मैं नेक्स्ट स्टेप में तो ये फोर थ्री इंटू वन बाई थ्री फोर टू द पावर वन फोर बोलता है इफ ए टू द पावर एम इक्वल्स टू ए टू द पावर एन यहां पर बेस इज सेम तो पावर्स विल बी इक्वल देयर फॉर एम इक्वल्स टू एन एंड इफ A to the power m equals to b to the power m. Here, yeah, powers are same. Therefore, base will be equal. That is, a equals to b. Very important. अगर पावर सेम होगा तो बेस इक्वल होगा और अगर बेस सेम होता है तो पावर्स इक्वल होगा अगर पावर सेम है तो बेस विल बी इक्वल और अगर बेस सेम होगा तो पावर्स विल बी इक्वल नाउ दिस चैप्टर स्पेसिफिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कैलकुलस में कैलकुलस में इट हैज गॉट ह्यूज एप्लीकेशन लॉज ऑफ इंडिसेस का कैलकुलस में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन फंक्शन लिमिट्स ये सब में इट हैज गॉट ट्रिमेंडेस एप्लीकेशन एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ लॉगारिदम इट इज ऑल्सो कनेक्टेड To logarithm, and logarithm again has a huge application in calculus as well as in the chapter Time Value of Money. तो जिसको लगता है कि भाई ये तो मेरे को आता है नहीं ऐसा नहीं है हो सकता है आपको आता है बट थोड़ा सा रिवाइज करने में सीखने में क्या प्रॉब्लम है अगर मेरे को इससे मेरा बेस स्ट्रांग हो रहा है या मेरा एग्जाम में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है तो उसको रिवीजन करने में क्या प्रॉब्लम है क्लियर है यहां तक सबको फॉर्मूलाज क्लियर है यस yes. आवाज ही नहीं आता आप लोग का क्लियर है फॉर्मूलाज सो वील नॉट मेक इट हैवी आप लोग को ये मैं भेज दे रहा हूं एंड इससे रिलेटेड जितना मैंने आज पढ़ाया आपको इससे रिलेटेड मैं आपको चालीस से पचास क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं वो आप सॉल्व करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू विथ दिस इन द नेक्स्ट क्लास इज दट क्लियर यस और नो थम्स चलिए थैंक यू सो मच आपको ये स्लाइड अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में एंड क्वेश्चन बाय द नाइट और बाय द मॉर्निंग नेक्स्ट यू विल रिसीव इट थैंक यू